पाकिस्तान भिखारी है क्या? तुम हमारे को भीख देते हैं? बेशरम लानत है तेरी, शर्म नहीं है उनको भी और इनको भी, दोनों को बेशरम बैठ के बात करते हैं। पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है इस लौंडिया को। सोचना हक और सच के लिए आप बात कर रहे हो? ये जो भी एपी सिंह के जो जो चार दो चैनलों को खरीद किया हुआ है वो इनको बुलाते हैं, अब नहीं करते। बहुत लोगों ने चैनल पे जाना इन पे छोड़ दिया, कुछ घटिया घटिया है उनसे जाके बात करते हैं। ताकि मुल्क के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोले। एक मैं गलत हो सकता हूँ, एक आप गलत हो सकते हैं बेशरम। पूरा मुल्क और दुनिया, पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा बताओ तो सही ना? तुमने जिसको पाला पोसा बड़ा किया जिंदगी दिया आज, तो उसके खिलाफ है? तेरी जिंदगी पे लानत नहीं है बेशरम? पाकिस्तानी चैनलों पे भी दुख होता है, क्यों अब आगे नहीं आते? उन पे बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। क्यों गंगे बहरे अंधे बने हुए हैं को उन, वो चैनल इंडिया के खिलाफ कैसे हमारी बात करते हैं? मुल्क के खिलाफ हमारे कहाँ मर गए? हमारे इस दुनिया में नहीं है या बिके हुए चैनल है? चैनल पे क्यों नहीं आते आगे? हमारा कोई भी अभी पाकिस्तानी बड़े चैनल वालों ने कोई बात किया इस पे? ये भौंकते रहते हैं, हमारे चुप करके सुनते हैं, पता नहीं इनको वेलकम करते हैं, क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? दुख होता है हमारे को अपने चैनल वालों पे, पाकिस्तानी लोगों पर, जो इसने इतना जहर उगला मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, जहां जिसने पाला पोषा बड़ा किया, माँ का कब्र पाकिस्तान में, बाप का कब्र पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में, बहने पाकिस्तान में, आज खिलाफ क्या कह रहे हैं? यार इसको सब पता नहीं क्या हुआ, पढ़ा सिखा के फिर मासूम बन के बैठ जाते कि घर तक पता है क्या होने वाला है। दोनों ही बदशक्ले हैं, एक बड़ा एक छोटा, बहुत बड़ा साजिश है मुल्कों के खिलाफ, ये लोगों को भड़काना चाहता है। एपी सिंह का यही खास तौर है कि लोगों को मैं भड़काऊं और मुल्कों को एक दूसरे के साथ लड़वाऊं, खास मकसद एपी सिंह का यही है। आप नहीं समझते हो कभी कौन सा बात लेके आ रहा है, कभी कौन सा मुल्क के खिलाफ, हर बात छोटी को पकड़ के मुल्क के खिलाफ उड़ जाता है। लानत है, ओ वाह भाई वाह, लान तीरों को दोनों टीयर भी लेना चाहते हैं, क्योंकि हम तो वो नहीं है एपी सिंह और सीमा साहिबा, तो हम है नहीं, बेगरत है, लौंडिया है। लौंडिया की बातों पे कौन इतबार करेगा? बहने बहुत बहुत बहने का कर रहे हैं ना, बहने भी आएंगे इसके, बहने भी इसके आएंगे, इंटरव्यू देंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे, इसका असल चेहरा इसको बताएंगे, तब इसको पता चलेगा असलियत इसका क्या है। मुल्क के खिलाफ बात नहीं करो, हाँ तुमने भी पला पोसा इधर बड़ा हुआ, तेरे को शर्म होता, हया होता, गैरत होता, थोड़ी सी भी अगर इंसानियत होती शायद वो भी आपको नहीं है। आप कुछ भी अपना मुंह काला भी करवाओ ना, फिर भी आपको इंडिया पर्सनैलिटी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लिखतर और जूते थोड़ा सफर तो कर, इसका पीछे पूरा बायोडेटा हमारे पास आ रहा है, ये सोच रहे कि ये मेरे पीछे नहीं है, हम इसके घर तक हैं। नहीं, आज तक ये गया तो इसको पूछो एकदम, ये जो अपने भगवान को मानता है उस पे सर पे हाथ रख के कहता है, गीता पे नाम ले रहा है ये, उस पे हाथ रख के ये झूठ बोल रहा है, अपनी तो इस्लाम माना नहीं, उनका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जिस धर्म को भी नहीं अपना रहा है ना अच्छी तरीके से। यकीन बात तो ये है ना, एक धर्म से तो गया अल्लाह ने इसको गर्क किया, दूसरे धर्म को भी नहीं अपना औरत है। ये जो मंथन के पाउडर और क्रीम लोगों को लगा के एक मीडिया में बैठ के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ लोग बन रहे हैं, सब इसको जुत्ती और लानत और थूक लगा रहे हैं इसके मुंह के अंदर। पाकिस्तानी ऐसे थे देती मैं तेरे मुंह के अंदर, लानत है, लानत पड़ी तेरी जिंदगी पे, तेरी हया होता, गैरत होता, तू पाकिस्तान के खिलाफ जाता, बेगैरत औरत, तेरे को शर्म नहीं है? हाँ तुम कब तक बैठेगा इंडिया में, कब तक लोग तेरे को रखेंगे? बेनस्ल है, बेशरम है तू, बेगैरत है, घटिया औरत है तू, लानतीर या औरत, एक बेनस्ली जाके उधर बकबक कर रहा है, बेगैरत, तेरे को शर्म नहीं है? काकड़े से जुबान से खींच के आपको ये बाहर निकालेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है। आज तू इंडिया में बैठ के सोच रहा है मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है, जो तेरा हश्र होगा ना कुत्तों से भी बदतर होगा, ये याद रखना। कितना भी ये लोग कहते हैं हैदर को यार जो है ना गलत करता है, गलत नहीं करता, इस बेगरत को इस जबान से बात करना चाहिए, लानत है इसकी जिंदगी पे। शर्मा पाउंडर बना के इंडिया जो ये मीडिया, इसको भी शर्म नहीं है? नहीं, जो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं हाँ ये तो भिखारी है, क्या हम हमारे को तुम भीख देता है? जो चैनल गलत कह रहे हैं ना उस पे लानत है। आप एक अच्छे चैनल पे बैठ के कौन सी बातें करवाते हो? पाकिस्तान भिखारी है क्या? तुम हमारे को भीख देते हैं? बेशरम लानत है तेरी, शर्म नहीं है उनको भी और इनको भी, दोनों को बेशरम बैठ के बात करते हैं। पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है इस लौंडिया को। सोचना हक और सच के लिए आप बात कर रहे हो? ये जो भी एपी सिंह के जो जो चार दो चैनलों को खरीद किया हुआ है वो इनको बुलाते हैं, अब नहीं करते। बहुत लोगों ने चैनल पे जाना इन पे छोड़ दिया, कुछ घटिया घटिया है उनसे जाके बात करते हैं। ताकि मुल्क के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोले। एक मैं गलत हो सकता हूँ, एक आप गलत हो सकते हैं बेशरम। पूरा मुल्क और दुनिया, पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा बताओ तो सही ना? तुमने जिसको पाला पोसा बड़ा किया जिंदगी दिया आज, तो उसके खिलाफ है? तेरी जिंदगी पे लानत नहीं है बेशरम? पाकिस्तानी चैनलों पे भी दुख होता है, क्यों अब आगे नहीं आते? उन पे बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। क्यों गंगे बहरे अंधे बने हुए हैं को उन, वो चैनल इंडिया के खिलाफ कैसे हमारी बात करते हैं? मुल्क के खिलाफ हमारे कहाँ मर गए? हमारे इस दुनिया में नहीं है या बिके हुए चैनल है? चैनल पे क्यों नहीं आते आगे? हमारा कोई भी अभी पाकिस्तानी बड़े चैनल वालों ने कोई बात किया इस पे? ये भौंकते रहते हैं, हमारे चुप करके सुनते हैं, पता नहीं इनको वेलकम करते हैं,
क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? दुख होता है हमारे को अपने चैनल वालों पे, पाकिस्तानी लोगों पर, जो इसने इतना जहर उगला मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, जहां जिसने पाला पोषा बड़ा किया, माँ का कब्र पाकिस्तान में, बाप का कब्र पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में, बहने पाकिस्तान में, आज खिलाफ क्या कह रहे हैं यार? इसको सब पता नहीं क्या हुआ, पढ़ा सिखा के फिर मासूम बन के बैठ जाते कि घर तक पता है क्या होने वाला है। दोनों ही बदशक्ले हैं, एक बड़ा एक छोटा, बहुत बड़ा साजिश है मुल्कों के खिलाफ, ये लोगों को भड़काना चाहता है। एपी सिंह का यही खास तौर है कि लोगों को मैं भड़काऊं और मुल्कों को एक दूसरे के साथ लड़वाऊं, खास मकसद एपी सिंह का यही है। आप नहीं समझते हो कभी कौन सा बात लेके आ रहा है, कभी कौन सा मुल्क के खिलाफ, हर बात छोटी को पकड़ के मुल्क के खिलाफ उड़ जाता है। लानत है, ओ वाह भाई वाह, लानतीरों को दोनों टीयर पी लेना चाहते हैं, क्योंकि हम तो वो नहीं है, एपी सिंह और सीमा साहिबा तो हम है नहीं, बेगैरत है, लौंडिया है, लौंडिया की बातों पे कौन इतबार करेगा? बहने बहुत बहुत बहने का कर रहे हैं ना, बहने भी आएंगे इसके, बहने भी इसके आएंगे, इंटरव्यू देंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे, इसका असल चेहरा इसको बताएंगे, तब इसको पता चलेगा असलियत इसका क्या है। मुल्क के खिलाफ बात नहीं करो, हाँ तुमने भी पला पोसा इधर बड़ा हुआ, तेरे को शर्म होता, हया होता, गैरत होता, थोड़ी सी भी अगर इंसानियत होती, शायद वो भी आपको नहीं है। आप कुछ भी अपना मुंह काला भी करो और फिर भी आपको इंडिया पर्सनैलिटी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लित्तर और जूते, थोड़ा सफर तो कर, इसका पीछे पूरा बायोडेटा हमारे पास आ रहा है, ये सोच रहे कि ये मेरे पीछे नहीं है, हम इसके घर तक हैं। नहीं, आज तक ये गया तो इसको पूछो एकदम, ये जो अपने भगवान को मानता है उस पे सर पे हाथ रख के कहता है, गीता पे नाम ले रहा है ये, उस पे हाथ रख के ये झूठ बोल रहा है, अपने तो इस्लाम माना नहीं, उनका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उन धर्म को भी नहीं अपना रहे ना अच्छी तरीके से। यकीन बात तो ये है ना, एक धर्म से तो गया, अल्लाह ने इसको गर्क किया, दूसरे धर्म को भी नहीं अपना। औरत है ये जो मन ठन के पाउडर और क्रीम लोगों को लगा के एक मीडिया में बैठ के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ लोग बन रहे हैं, सब इसको जुत्ती और लानत और थूक लगा रहे हैं इसके मुंह के अंदर। पाकिस्तानी ऐसे देती मैं तेरे मुंह के अंदर, लानत है, लानत पड़ी तेरी जिंदगी पे, तेरी हया होता, गैरत होता, तू पाकिस्तान के खिलाफ जाता, बेगैरत औरत, तेरे को शर्म नहीं है? हाँ तुम कब तक बैठेगा इंडिया में, कब तक लोग तेरे को रखेंगे? बेनस्ल है, बेशर्म है तू, बेगैरत है, घटिया औरत है तू, लानतीर या औरत, एक बेनस्ली जाके उधर बकबक कर रहा है, बेगैरत, तेरे को शर्म नहीं है? काकड़े से जुबान से खींच के आपको ये बाहर निकालेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है। आज तू इंडिया में बैठ के सोच रहा है मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है, जो तेरा हश्र होगा ना कुत्तों से भी बदतर होगा, ये याद रखना। कितना भी ये लोग कहते हैं हैदर को यार जो है ना गलत करता है, गलत नहीं करता, इस बेगरत को इस जबान से बात करना चाहिए, लानत है इसकी जिंदगी पे। शर्मा पाउंडर बना के इंडिया जो ये मीडिया, इसको भी शर्म नहीं है? नहीं जो है। मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं हाँ ये तो भिखारी है, क्या हम हमारे को तुम भीख देते हैं? जो चैनल गलत कह रहे हैं ना उस पे लानत है। आप एक अच्छे चैनल पे बैठ के कौन सी बातें करवाते हो? पाकिस्तान भिखारी है क्या तुम हमारे को भीख देते हैं? बेशरम, लानत है तेरी, शर्म नहीं है उनको भी और इनको भी, दोनों को बेशरम बैठ के बात करते हैं। पाकिस्तान ऐसा है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है इस लौंडिया को, सोचना है हक और सच के लिए आप बात कर रहे हो। ये जो भी एपी सिंह के जो जो चार दो चैनलों को खरीद किया हुआ है वो इनको बुलाते